नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम टीवी और मैं हूं आपके साथ राकेश सोनी। दिल्ली सरकार के द्वारा एक अहम फैसला लिया गया है किन्नर समुदाय के लिए। जी हां, जिस तरीके से पहले महिलाओं को दिल्ली के अंदर जो बसों में सेवा मिली है फ्री बस सेवा की, अब एक फैसला फिर से दिल्ली सरकार लेने जा रही है कि जो किन्नर समुदाय के लोग हैं उनको भी बस में फ्री यात्रा मिलेगी। और इस पर क्या लोग सोचते हैं, खुद जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। आप लोग किस तरीके से देखते हैं जो दिल्ली सरकार के द्वारा ये सोचा गया है कि आप लोग भी बस में फ्री यात्रा कर पाएंगे, कैसे देखते हैं आप लोग? हम लोग दिल्ली सरकार से जो इन्होंने फैसला लिया, हम लोग बहुत खुश हैं इसके लिए कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। आज तक पहले जैसे महिलाओं के लिए उन्होंने फ्री यात्रा आरम्भित की थी, शुरू करी थी, तो अब उन्होंने दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए, किन्नर समुदाय के लिए भी एक अच्छा फैसला लिया है कि देखो, कुछ लोग मध्यवर्गीय परिवार के जो लोग होते हैं, ट्रांसजेंडर्स होते हैं, जिनके पास रोजी रोटी का साधन नहीं होता, तो वो लोगों के पास इवन ट्रैवल करने के लिए ऑटो का या फिर कोई कैब बुक करने का कुछ नहीं होता, तो वो उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि ये अच्छा बहुत अच्छा प्रयास है कि उनके लिए आगे मतलब वो बस में इजीली ट्रैवल कर पाएंगे। अच्छा, इससे पहले क्या किसी सरकार ने इस तरीके का फैसला लिया? आप लोग दिल्ली में रहते, कभी ऐसा सरकार ने फैसला नहीं? आज से पहले, इससे पहले जो भी सरकारें आई हैं उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया, बट मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ कि उन्होंने किन्नर समुदाय के लिए ये फैसला लिया है। इवन मेरा ये भी है, दरख्वास्त है दिल्ली सरकार से कि जैसे महिलाओं के लिए आरक्षित होती है सीट और सिक्योरिटी का बहुत अच्छा प्रावधान है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि किन्नर समुदाय के लिए भी सिक्योरिटी का प्रावधान हो और मैं और ट्रांसजेंडर के लिए भी एक आरक्षित सीट होनी चाहिए, एक या दो, महिलाओं के लिए, विकलांग के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी होनी चाहिए। आजकल बसों में बहुत सारा जैसे गलत लोग चढ़ जाते हैं, तो सिक्योरिटी को लेके वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं, तो मैं ये चाहती हूँ दिल्ली सरकार से कि वो सिक्योरिटी का भी पूरा पूरा ध्यान रखें। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के इस फैसले से कितना लाभ मिलेगा आपको? देखो, मैं सरकारें आती जाती रहती हैं, कानून बनते हैं फिर वो चले जाते हैं, देखते हैं आगे आने वाले टाइम में कितना लाभ होगा, क्योंकि आजकल जो किन्नर समुदाय है उसके लिए सरकारें बहुत कुछ कर रही हैं और आगे बहुत कुछ सोच रही हैं। जैसे इन्होंने अभी फ्री बस का सोचा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में किन्नर समुदाय के लिए हो सकता है जॉब्स का भी वो आगे करे। और मेरा यही है कि मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हूँ, और ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट के साथ साथ मैं दिल्ली की पहली ट्रांसजेंडर हूँ जो लोक अदालत की जज पैनलिस्ट हूँ। तो मेरा यही है, सरकार से यही कहना है कि ऐसे जो उन्होंने ये फैसला लिया, बहुत अच्छा फैसला लिया है, और वो बस यही चाहती हूँ कि बस सिक्योरिटी को लेके और इक्वालिटी को लेके, जो हम लोग भेदभाव, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन होता है समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय के लेके और बहुत सारी चीज़ों के लेके, तो उनको इक्वल देखा जाए। ट्रांसजेंडर भी एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, ताकि लोग उसको, उसके साथ कुछ गलत जो चीज़ें होती हैं वो ना हो। अच्छा, आप लोग भी हैं, आप लोग किस तरीके से देखते हैं तो दिल्ली सरकार के द्वारा ये फैसला लिया ट्रांसजेंडर को लेकर, किस तरीके से कितना बेनिफिट होगा? मुझे सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे बारे में सोचा। हालांकि जो ट्रांसजेंडर्स काफ़ी बिल हैं वो सरकार द्वारा पास किए गए हैं, लेकिन जब हम रस्तों पर चलते हैं या कहीं भी जाते हैं, आते हैं हर जगह पब्लिक प्लेसेस में, तो काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है हमसे, काफ़ी एक स्टिग्मा के रूप में देखा जाता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। हालांकि लोगों की माइंडसेट ऐसी है कि ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं वो या तो सेक्स वर्क्स में हैं या टोली बधाई करते हैं व्हाटएवर, तो लोगों का अपना अपना माइंडसेट है, लेकिन इससे काफ़ी चीज़ नॉर्मलाइज होगी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जो ट्रैवलिंग है वो हमारी ट्रांसजेंडर में फ्री कर दी गई है। और जैसा मेरी गुरु ने बोला कि हमारे लिए रिजर्वेशन भी होनी चाहिए, वेदर इट इज़ मेट्रो और बस, कि उसके पर्टिकुलरली जैसे कि लिखा रहता है महिलाओं के लिए आरक्षित, सीनियर सिटीजन्स के लिए आरक्षित, वैसे ही एक ट्रांसजेंडर के लिए सीट होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि मतलब हम भी एक पार्ट ऑफ सोसाइटी। दिल्ली सरकार के द्वारा जो बसें फ्री करी गई थी, मतलब भारतीय सरकार का अच्छा फैसला है दिया गया है, आज तक किसी सरकार ने प्रयास में चाहती हूँ कि जैसे सीखे आरक्षित किया उसके साथ सुरक्षा, साथ साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, और ट्रांसजेंडर को वो सबकी सुविधाएँ दी जाए जिनकी बहुत जरूरत है। अच्छा मनप्रीत, जैसे अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं, जैसे पक्षी उड़ते हैं,
आप लोगों को भी अब लगता है कि एक पंख मिल जाएगा ये सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया दिल्ली सरकार के द्वारा? सर हम तो शुरू से ही हम लोग खुले परिंदे हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि दिल्ली सरकार ने, जैसे सब लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया है कि सुरक्षा को लेके मेट्रो में भी आरक्षित होनी चाहिए, वहाँ पे सब लिखा हुआ है कि मेट्रो में महिलाओं के लिए है, डिसेबल्ड्स के लिए है, सबके लिए सीट आरक्षित है, लेकिन ट्रांसजेंडर्स भी जब ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा सा उनके अंदर भी सेल्फ स्टिग्मा रहता है। तो यही चाहती हूँ कि मैं अगर हमें ऐसा ही आगे आगे सरकार का सहयोग मिलता रहे तो हम लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को आगे चलता हुआ देख सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से आपने सुना कि देखिए हमने पंछियों की बात इसलिए करी कि हर किसी को जहाँ पर कहते हैं ना कि धरती पर अगर आया तो उसको जीने का अधिकार है, तो सरकार अगर इस तरीके का जब फैसला लेती है तो उससे हर एक समुदाय के लिए कहीं ना कहीं उनका जो मनोबल है वो बढ़ता है। और दिल्ली सरकार का ये फैसला जो लिया गया आने वाले वक्त में कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आखिरकार दिल्ली सरकार ने कम से कम इनके लिए सोचा तो सही। दिल्ली से अपने सहयोगी नीरज अवस्थी के साथ राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।